टीवी ड्रामों में सास बहू के रंग को दिखाने वाली फनकारा खुद सास के जुल्म का शिकार हो गई। अनमता कुरैशी से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ की कठिन और तल्ख दास्तान पेश कर दी है। अदाकारा ने अपनी सास के जुल्म और सितम सब पर आया कर दिए। अदाकारा अनमता ने सोशल मीडिया पर ससुराल में खुद पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफी से मुतल्लिक कई स्टोरीज शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी सास और उनकी बहन के बारे में होशरबा हकायक सामने लाई हैं। अनमता कहती हैं कि उनकी सास बार बार ये तकरार करती हैं। अदाकारा को इस बात पर शुक्र मनाना चाहिए कि उनके बेटे ने अभी तक अनमता को तलाक नहीं दी, क्योंकि अनमता का ताल्लुक शोबिज से है, इसलिए वो घर बसाने के लायक नहीं। अनमता ने ये राज भी खोला है कि उनकी सास अपनी बहन के साथ मिलकर इन्हें और इनके घर वालों को गालियाँ देती हैं और बुरा भला कहने में देर नहीं लगाती। और जब अनमता ने जालिम सास से अलग होने का फैसला किया तो वो हत्ते से अखड़ गईं। सास ने उन्हें न सिर्फ मुगल जात बकी बल्कि उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया, जबकि अनमता की वालिदा और बहनों को भी बुरे कलमात से नवाजा। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि उनकी सास की बहन ने उनकी वालिदा पर ऐसा हमला किया कि वो लहूलुहान हो गई। अनमता ने फरियाद की है कि वो अपने बेटे की खुशगवार माहौल में परवरिश के लिए अलहदा होना चाहती हैं, मगर इस इरादे को भी उनकी सास ने मुश्किल तरीन बना दिया है और घर तब्दील करने में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। अनमता का तो ये भी दावा है कि सफाक और बेरहम सास उनके पैसों से ही खरीदे राशन को छुपा देती हैं और वो अक्सर भूखी सोती हैं। अब परिस्तारों को कहना है कि सोशल मीडिया का सहारा लेने की बजाय अनमता कानून या किसी एनजीओ की मदद क्यों नहीं लेती।